चलिए साहब, गृह मंत्रालय से कुछ बात आई है, उसको देखने। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का निर्णय लिया। दो बलों में भर्तियों के लिए अग्निवीरों को ऊपरी उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु सीमा में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। तो क्या हुआ साहब, सीएपीएफ से जितनी भी जो नौकरियां निकली असम राइफल और तमाम सारी, उसमें 10% रिजर्वेशन दे दिया गया अग्निवीर को। आप तो कहते हैं अग्निवीर क्या करेगा बाहर निकल के, तो 10% कितने भर्ती हो रहे अग्निवीर में, महज 40,000-50,000 पकड़ लेते हैं, 40,000 ही रहते हैं, 25% ले लेंगे, 10,000 लेंगे, 30,000 छूटेंगे, 10 लाख जॉब निकल रही है सर, 10 लाख जॉब निकल रही है, 10 लाख जॉब का 10% कितना होता है, 1 लाख निकलेंगे, कितने बाहर, 30,000 निकलेंगे और 1 लाख जॉब आपके लिए आरक्षित है। अब तो ठीक है कि अभी भी रोना आ रहा है, और उसके बाद बुढ़े हो जाओ, तुम बुढ़े हो जाओ, 3 वर्ष की छूट सबको दी गई और पहले वर्ष का जो बैच है उसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है। क्या लिखा है, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए डिसाइड, अरे अंग्रेजी तो नहीं पढ़ूंगा भाई, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, चलो भाई हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में भी है। आइए, गृह मंत्रालय सीएपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सीएपीएफ में 10% का रिजर्वेशन मिलेगा, क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। उज्जवल जी कहते हैं पेंशन नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे, हमारे टैक्स का पैसा है, हराम में कुछ नहीं देंगे, काम करोगे तब तक पैसा मिलेगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमने थोड़ी ठेका लिया, आपके पिताजी पूछने आए थे पैदा करने से पहले कि हमारा बच्चा पैदा होगा उसको पेंशन मिलेगी, नहीं देंगे, कोई पेंशन नहीं देंगे, हमको किसी ने पेंशन दी, हम कोई पेंशन ले रहे हैं, जिसको दे रहे थे दे रहे थे, तब की टर्म्स एंड कंडीशन थी, जिसको पहले वाली को दे रहे उसके बाद नहीं करी, नए वाली को नहीं देनी, हमारी मर्जी, तुमको नौकरी करनी करो, नहीं करनी मत करो, भिखारी की तरह कटोरा लेकर खड़े हो, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यू आर नोबडी, कुछ नहीं मिलेगी पेंशन, चलो भगो यहाँ से, ठीक है, क्लियर है, कोई पेंशन वेंशन नहीं, काय की पेंशन, किस चीज़ की पेंशन, चलो भगो, कोई पेंशन नहीं है, हमारा टैक्स का पैसा है, इसलिए नहीं भरते तुमको पेंशन देने के लिए, इसलिए भरते कि हमारी सेना अच्छे से अच्छे हथियार खरीद सके, हमें अच्छी से अच्छी सड़कें मिल सके, 24 घंटे बिजली मिले, पानी मिले, इसलिए टैक्स भरते हैं, तुम्हारी पेंशन के लिए, तुम्हारा घर चलाने के लिए हम टैक्स नहीं भरते, चलो फूटो साइड में दो, हवा ने दो। तो साहब 10% का रिजर्वेशन दे दिया, 10 लाख जॉब अभी निकल रही, तमाम सारी अलग अलग जगह, ठीक है, उसमें 1 लाख जॉब हो गई इस हिसाब से, है ना, 5 साल और 3 साल की छूट भी दे दी गई है, ठीक है, क्लियर है, हमारे पैसे भी जिएंगे साहब, वाह वाह, अपना कमाओ अपना खाओ, हमारे पैसे भी क्यों जियोगे भाई, अपनी दम पर जियो, नहीं तो अपने मम्मी पापा से बोलो, पूछा करो पहले, टैक्स पेयर से जाके पूछा करो, बच्चा पैदा करें, नहीं है ताकत तो काय के लिए, तुम्हारा बाप अगर तुमको सेटल नहीं कर पाया तो इसमें हमारे जो दोष थोड़ी है, अपने पिताजी से पूछो, गांव में भी जाओगे तो पिता जो होता ना वो सोचता है, मेरे पास 30 बीघा जमीन है, 4 लड़के हैं, कैसे होगा, तो मेहनत करता है, 10 बीघा और खरीदता है कि 10-10 बीघा चारों लड़कों में हो जाएगी, वो भी अपने बच्चों को सेटल करके जाता है, गांव वाला भी सेटल करके जाता है, सब अपने बच्चों को सेटल करते हैं, बच्चे की शादी होनी है तो भैया अगर घर छोटा है तो उसके लिए दूसरा फ्लैट लेना, उसके लिए घर लेना, ये हर माँ बाप करते हैं, ये माँ बाप का कर्तव्य, सरकार का नहीं है, सरकार नहीं करके देगी तुमको, ये कमाल है, मतलब सरकार इनको घर भी खरीद के दे, तुम शादी कर रहे हो, हाँ कमाल है साहब, ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। चलिए एक और घोषणा आई है, 2 घोषणा आई बैक टू बैक, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू रिजर्व 10% ऑफ जॉब वैकेंसीज इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर अग्निवीर मीटिंग रिक्विजिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, हिंदी में लिख लो ना सर, चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, 10% की जॉब वैकेंसी जो जॉब निकली उसमें 10% मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अग्निवीर के लिए रिजर्व रहेंगी, जो अग्निवीर बनेंगे 10%, 25% रिकूप कर लिए वो अलग है, 10% ही अलग है, ठीक है, टोटल जॉब का 10%। अब मान लीजिए लाख जॉब निकाली तो 10,000 हो गए, 10 लाख निकाली तो 1 लाख हो गए, क्लियर है, और तमाम सारी जगह अलग, सीएपीएफ में अलग मिलेगी, इधर अलग मिलेगी, तमाम राज्य सरकारों में, पुलिस में अलग अलग अलग, तमाम सारी जगह मिलेगी, सब जगह मिलेगी, हम तो सीधे कहते 10 नहीं सर, 100% रिजर्व कर दो, खत्म करो रट्टा, हम जो जॉब मार्केट में निकालेंगे उसमें से अग्निवीर ही लेंगे, बाबू भी अग्निवीर चाहिए हमको, ये तो लोट लोट जाएंगे, अग्निवीर बना दो, उल्टे पैसे लेना फिर आप इनसे, 20 लाख रुपये चाहिए अग्निवीर बनाने के लिए, जमा करो सरकारी खाते में, तो भी जाएंगे दौड़ दौड़ के, ठीक है ना, इनको सब चाहिए हमारे दम पर, मतलब हम कमाएं खून पसीने की कमाई हमारी, आप लोगों की खून पसीने की कमाई, हम लोग इस पर टैक्स देंगे, रात और दिन नहीं देखेंगे, हम लगातार काम करेंगे, और इनको पेंशन दे दो हमको, रिश्वत खाएंगे जिंदगी भर बैठकर, और पेंशन चाहिए इसके बाद, काहे कि किस बात की पेंशन, कौन सी पेंशन, हमने पालने का ठेका थोड़ी लिया है, इनको पेंशन देने बंद करो, हमारे से टैक्स लेना बंद कर दो भाई, जिसको देना इनको पेंशन देते रहना, हम नहीं देते टैक्स, हमसे नहीं दे पाएंगे, 50-50% टैक्स भरते हैं सर अपन, कभी हिसाब लगा कर देखना, एक आम आदमी बेचारा जितना कमाता ना उससे ज्यादा टैक्स भरता, नहीं वो नहीं नमक की थैली वाला अलग से, आत्मनिर्भर कहते हो आप, 18% टैक्स ठोक रखा है सर, 30% उसके ऊपर इनकम टैक्स है, पहले 18% दे दो उसके बाद 30% दे दो, क्या 50% चला गया दादा, बचा क्या है, नहीं 2% मत गिनना बीच का, क्योंकि वो सरचार्ज में चला जाएगा अभी, सुमित सिंह जी तो फिर MPML की पेंशन नहीं करनी हमारे को, हमारा पैसा हमारे टैक्स का पैसा, हमारा मर्जी, हमारा नहीं मन है, चलेगी MPML की पेंशन, जाओ नहीं देते, नहीं बंद करते, चलेगी वो बराबर चलेगी, उनको फ्री में खिलाएंगे बैठा के, नहीं करते बंद, हमारी मर्जी, कल के लाइव में बोल चुका हूँ, उनकी भी बंद होनी चाहिए, फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो नहीं करते, हमारी मर्जी है ना, ठीक है, आपको 4 साल की जॉब में 20 लाख रुपये भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और जो पूरी जिंदगी लगाकर एक बार चुनकर आएगा, जिसकी गारंटी नहीं है कि वो चुने या नहीं चुना जाए, उसको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए,
क्राइटेरिया बड़ा गजब है, नहीं मिलनी चाहिए, हटा दो, किसने मना किया? इसके लिए आंदोलन करो ना, कोई मना नहीं कर रहा, मैं आपके साथ हूँ। MLA MP की पेंशन बंद करो, करो आंदोलन, मैं आपके साथ में हूँ, करो, देखता हूँ कौन सी पार्टी आती है तुम्हारे पीछे, कोई नहीं आएगी।